जय माँ काल, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँ। जी आज का जो मेरा वीडियो है एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन ड्राइवर की जो आप लोग की वैकेंसी निकल के आई थी 2023 में। जी हाँ, 1600 प्लस आप लोग की वैकेंसी थी, कई पोस्टों पर वैकेंसी निकल के आई थी। इसमें कांस्टेबल ट्रेड्समैन ड्राइवर की आप लोग की 500 प्लस वैकेंसी थी, वैकेंसियां इंक्रीज होकर 600 प्लस हो गई। फिजिकल आप लोग का समय से हुआ। इसके अलावा आप लोग का जो नेक्स्ट स्टेप रिटर्न एग्जाम भी 2023 में ही लिया गया। जी रिटर्न एग्जाम के बाद आप लोग का अभी उसका रिजल्ट आ चुका है और आप लोग का नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पे ट्रेड टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जी आप लोग के ट्रेड टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पे स्टार्ट है 10 अप्रैल 2024 से। बहुत ही जल्द आप लोग को इसके एडमिट कार्ड देखने को मिलेंगे। A to Z जानकारी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ लगातार। आज का मेरा वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि काफी बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर ट्रेड टेस्ट के बारे में जानकारी दीजिए। जी हाँ, आज का जो मेरा वीडियो है कुक ट्रेड टेस्ट की जानकारी दीजिए। ट्रेड टेस्ट कैसे होगा, क्या क्या चीजें करवाई जाएंगी, कितने नंबर लेके आना होगा, मींस A to Z जानकारी आज आप लोगों को मेरे इस वीडियो मिलने वाले वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे तो आप लोगों को पता होना चाहिए 10 अप्रैल 2024 से आप लोग के ट्रेड टेस्ट स्टार्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ट्रेड टेस्ट के साथ साथ आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी है। जी हाँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर के जाने हैं सारी जानकारी मैंने आप लोग को प्रोवाइड कराई है। ओरिजिनल आप लोग को लेकर के जाना है और एक एक फोटो कॉपी आप लोग को लेकर के जाना है। इसके अलावा एक्सपीरियंस आप लोगों से मांगा गया था, यदि आप लोगों ने कुक ट्रेड के लिए अप्लाई किया, बिल्कुल 2 साल का एक्सपीरियंस आप लोगों से यहाँ पे मांगा गया था तो 2 साल का एक्सपीरियंस आप लोग के पास होना चाहिए। और एक्सपीरियंस जो भी है आप लोग का फॉर्म अप्लाई की लास्ट डेट से पहले का ही 2 साल का आप लोग के पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा कास्ट कैटेगरी A to Z जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड कराइए। डॉक्यूमेंट कब के होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, वो वीडियो आप लोग जरूर देखिए। समय है आप लोग के पास, अभी डॉक्यूमेंट आप लोग रेडी करवा सकते हैं। तो अब बात आती है ट्रेड टेस्ट की। जी हाँ, ट्रेड टेस्ट देखिए, सबसे पहले आप लोग को ये पता होना चाहिए कि ट्रेड टेस्ट होगा कितने नंबर का, कितने नंबर हमें लेकर के आना है ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई करने के लिए। देखिए ट्रेड टेस्ट आप लोग का यहाँ पे 50 मार्क्स का होने वाला है। जी हाँ, 50 मार्क्स का होने वाला है और 60% पासिंग मार्क्स हैं आप लोग के। सभी को 60% मिनिमम लेके आने ही होंगे। यदि 60% मार्क्स आप लोग लेके नहीं आ पाएंगे तो आप लोग ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। 60% का मतलब आप लोग को पता होना चाहिए 30 मार्क्स। जी हाँ, 30 नंबर आप लोग के यहाँ पे होने ही चाहिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे। जी हाँ, 30 मार्क्स SC ST OBC किसी भी कैटेगरी से है आप लोग 30 मार्क्स लेकर के आएंगे, बिल्कुल आप लोग क्वालिफाई हो जाएंगे। तो अब बात करते हैं कुक ट्रेड टेस्ट की। सर कुक ट्रेड टेस्ट कैसे होगा? देखिए सबसे पहले तो आप लोगों को जब भी बुलाया जाएगा आप लोग को जाना है, ठीक है। और यदि आप लोग नहीं पहुंच पाते तो ऑप्शन होता है जिस दिन आप लोगों को बुलाया जा रहा है उस दिन नहीं पहुंच पाते हैं तो नेक्स्ट डे क्या ट्रेड टेस्ट दे सकते हैं, नहीं दे सकते, दे सकते हैं। और मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, अभी से आप लोग ये सोच के मत चलिए, जैसे ही आप लोग के ट्रेड टेस्ट होंगे और कोई बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, आप लोग को लगता है इस डेट को मैं नहीं जा सकूंगा, जिस डेट को मुझे बुलाया गया है, तो आप लोग को जानकारी दी जाएगी आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी आप लोग बिल्कुल जिस समय आप लोग को बुलाया जाए आप लोग पहुंचेंगे। जी हाँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप लोग का होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप लोग क्लियर कर जाएंगे, आप लोग का ट्रेड टेस्ट यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। कुक ट्रेड टेस्ट बहुत ही अच्छा ट्रेड टेस्ट है। कुक यानी कि कुकिंग से रिलेटेड वर्क आप लोग को पता होना चाहिए। कुकिंग जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए डेली यूज की चीजें हैं, यानी कि आप लोगों को डेली रोटी खाना है, सब्जी खानी है, दाल भात चावल वगैरह ये सारी चीजें, तो सब कुछ ये कुकिंग के अंतर्गत ही आता है। और यदि आप लोग कुकिंग का कार्य करते हैं, यानी कि आपने कभी घर पे रोटी वगैरह बनाई है, घर पे दाल वगैरह बनाते हैं, आप लोग कहीं बाहर रहते हैं, तो बिल्कुल बहुत ही इजिली आप लोग यहाँ पे ट्रेड टेस्ट कर पाएंगे, क्लियर कर जाएंगे। कुछ भी एक्स्ट्रा आप लोग को यहाँ पे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। यदि आप लोग घर में कुकिंग का कार्य करते हैं, मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, कुछ भी एक्स्ट्रा आप लोग को सीखने की जरूरत नहीं है, आप लोग ट्रेड टेस्ट यहाँ पे क्लियर कर जाएंगे। लेकिन यदि आप लोगों ने कभी कुकिंग का कार्य नहीं किया है तो देखिए यहाँ पे आप लोग को प्रॉब्लम होने वाली है। मैं आप लोग को क्लियर कर देता हूँ क्या क्या चीजें आप लोग को आनी चाहिए ताकि जो समय आप लोग को मिला है उस समय में आप लोग वो सारा कार्य कर सकें और अपने ट्रेड टेस्ट को क्वालिफाई कर सके। 20 गुना कैंडिडेट आप लोग को बुलाए गए हैं, आप लोग को पता होना चाहिए वैकेंसी से। जी हाँ, वैकेंसी सबसे ज्यादा आप लोग के कुक ट्रेड में ही है, बहुत ही अच्छी। जी हाँ, मेल फीमेल दोनों ही। तो अब देखिए आप लोग का जब ट्रेड टेस्ट स्टार्ट होगा तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो होता है कुकिंग के अंतर्गत, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो लगभग लगभग सभी कैंडिडेट्स को यहाँ पे दिया जाएगा करने के लिए, वो है आप लोग की रोटी। जी हाँ, रोटी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है और आप लोग को पता होना चाहिए। डेली यूज में भी आप लोग कुछ भी यहाँ पे आप लोग को डेली रोटी खानी ही होती है। जी हाँ,
अब रोटी दाल से खाइए, चावल मीन्स सब्जी से खाइए, जैसे भी खाइए, तो रोटी इंपॉर्टेंट है। रोटी बनाना यदि आप लोग सीख लेते हैं या रोटी बनाना आप लोग सीख लेते हैं तो ये मान के चलिए कि 50% वर्क आप लोग का हो गया है। और रोटी कैसे बनानी है ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। जी हाँ, आप लोग को वहां पे दे दिया जाएगा, जो हो सकता है कि गुथा हुआ आटा दे दिया जाए या फिर नॉर्मल आप लोग को आटा दे दिया जाए, उसे आप लोग को गूंथना पड़े। ठीक है, दो बंदों के लिए रोटी बनानी है, चार बंदों के लिए चार रोटी बनानी है, जैसा भी आप लोग को टास्क दिया जाए उस तरीके से आप लोग को जो है आटा गुथा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, गुथा हुआ नहीं है तो आप लोग को गूंथना पड़ेगा वहां पे। और यदि गुथा हुआ है, आप लोग को लग रहा है आपके हिसाब से नहीं है, तो आप लोग उसे दोबारा से पानी वगैरह हल्का फुल्का मिला के उसे अपने हिसाब से लोई वगैरह बना सकते हैं। ठीक है, तो जो भी आप लोगों से कहा जाएगा वो आप लोग को करना होगा, कुछ भी फिक्स नहीं है कि आप लोग को इस तरीके से ही कार्य दिया जाएगा। तो आप लोग को यदि लोई बनी बनाई मिलती है, आपको लगता है मुलायम है, ठीक है, इससे रोटी बन सकती है, बिल्कुल अपने हिसाब से एक रोटी के लिए लोई तोड़नी है और रोटी बनानी है। जी हाँ, साफ सफाई का आप लोग को ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये सब चीजें देखी जाती है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जामिनर की नजरों में यही चीजें रहती हैं, बंदे ने कभी काम किया है नहीं किया है, किस तरीके से ये वर्क कर रहा है। तो हाइजीन का ध्यान रखेंगे, साफ सफाई का आप लोग ध्यान रखेंगे, हाथ वाथ धो करके बिल्कुल अच्छे तरीके से आप लोग जो रोटी बनाना शुरू करेंगे। जो प्रोसेस होता है, जो टेक्निक होती है, उसी टेक्निक से आप लोग रोटी बनाएंगे। रोटी को आप लोग जितनी लोई तोड़नी है एक रोटी के लिए उतनी तोड़ेंगे और गोल रोटी ही बनाइएगा। जी हाँ, गोल रोटी यदि गोल बनेगी तो बहुत ही अच्छा रहेगा, उसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि गोल रोटी को गोल करना हर किसी के बस की नहीं होती। मैं आप लोग को बता दूं, यदि आप लोग वर्क मतलब इस कार्य को आपने किया है या फिर आप डेली करते रहते हैं, खाना बनाते रहते हैं, तो बिल्कुल आप लोग इस कार्य को कर सकते हैं। लेकिन आपने कभी कार्य नहीं किया है तो गोल रोटी बनाने में ही आप लोग को काफी समय लग सकता है। तो गोल रोटी आप लोग यदि बना रहे हैं तो ये मान के चलिए एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि इस बंदे ने काम किया हुआ है, ये बंदा कार्य करता है। तो गोल रोटी आप लोग की बनती है सुंदर रोटी बिल्कुल, उसके बाद आप लोग को उसे सेकना है, सेकने के बाद रोटी फूल जाए गोल बिल्कुल फर्स्ट क्लास कच्ची रोटी ना रहे, और ये मान के चलिए कि आपके 50% आप लोगों ने काम यहाँ पे कर दिया है। मैंने आप लोग को बता दिया है गोल रोटी सुंदर साफ सुथरी फूली हुई रोटी बनी हुई है, बिल्कुल आप 50% कार्य आप लोग का यहाँ पे हो गया। रोटी के अलावा ऐसा नहीं सिर्फ रोटी ही आप लोग को दी जाए, कुछ ना कुछ और भी आप लोगों से कार्य करवाया जाएगा। ठीक है, इसमें आप लोग का सब्जी भी बनवाई जा सकती है, दाल भी बनवाई जा सकती है, चावल भी बनवाई जा सकती है, आपसे पूछा भी जा सकता है कि आप क्या बनाना चाहेंगे, दाल बनाना चाहेंगे, चावल बनाना चाहेंगे, सब्जी बनाना चाहेंगे, या फिर आप लोग को कहा भी जा सकता है कि भाई जो भी आप लोग की भिंडी की सब्जी है या भिंडी पड़ी है जो भी है, ठीक है, लौकी है, कुछ भी आप लोग का जो भी दिया गया होगा आप लोगों से बोला जाएगा कि भाई सब्जी बना के दिखाइए, आप किस तरीके की सब्जी बनाएंगे, या कुछ भी आप लोगों से दिया जाता है मैं आप लोगों के लिए कर दूं। तो जो भी आप लोगों को टास्क दिया जाए वो आप लोग को बनाना है। यदि सब्जी आप लोग बना रहे हैं, किस प्रकार से आप तेल डालते हैं, कितनी तेल डालते हैं, उसके बाद क्या क्या मसाले होते हैं, सभी मसालों के नाम आप लोगों को पता होना चाहिए। यदि आप लोगों ने कार्य किया है तो A to Z जानकारी आप लोग के पास होगी, यदि आपने कभी कार्य नहीं किया है तो आप लोग को मसालों की नॉलेज भी होनी चाहिए। जी हाँ, मसालों की नॉलेज भी होनी चाहिए, तेल क्या होता है, जीरा क्या होता है, और इसके अलावा जो आप लोग के गर्म मसाले पड़ते हैं नहीं पड़ते, लौंग जीरा हल्दी धनिया, ये सारी चीजें आप लोग को पता होनी चाहिए। यदि आप लोग को ये सब चीजें पता है, आपने सब्जी बनाई है, तो बिल्कुल आप लोग अपने इस टास्क को पूरा कर जाएंगे। ठीक है, तो सब्जी बनाने को दी जाती है, सब्जी बनाइए बिल्कुल, सब्जी नमक वगैरह का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, जितना भी आप लोग को बताया जा रहा है कि कितने व्यक्ति के लिए आप लोग को बनाना है, उसी अनुसार आप लोग नमक वगैरह डालेंगे, और बिल्कुल सब्जी आप लोग के चक्के देखी जाएगी। मैं आप लोग को बता दूं, ऐसा नहीं कि चक्के नहीं देखी जाएगी, जरूर चक्के देखी जाएगी। चावल बनाने को बोला जाता है तो चावल को किस तरीके से आप लोग उसकी स्टार्टिंग करते हैं, धोते हैं, धोने के बाद किस तरीके से आप लोग भगोने में रखते हैं और कितनी देर तक जले ना हो। ठीक है, तो चावल बनाने को बोला जाए तो चावल बनाइए आप लोग, दाल बनाने को बोला जाए तो दाल बनाइए आप लोग, दाल भी आप लोग की कोई भी हो सकती है, अरहर की, मूंग की, मसूर की, कोई भी दाल दी हो आप लोग को बनानी आनी चाहिए। ठीक है, बनाने का क्या प्रोसेस होता है स्टार्टिंग से एंड तक वो आप लोग को पता होना चाहिए, कितनी नमक कितनी हल्दी डालनी, ये सारी जानकारी आप लोग के पास होनी चाहिए। यदि ये कार्य आप लोग करते हैं तो बिल्कुल, मैं आप लोगों से क्लियर कर दूं, आपको ट्रेड टेस्ट में कोई फेल नहीं कर सकता। यदि आप लोग घर में रोटी चावल दाल बनाते हैं, आप लोग इजीली ट्रेड टेस्ट क्लियर कर जाएंगे। आज भी यदि आप लोग का ट्रेड टेस्ट ले लिया जाए, आप लोग आज भी अपना ट्रेड टेस्ट क्लियर कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। बस एक्स्ट्रा आप लोग को इसमें यही करना है, थोड़ा सा आप लोग साफ सफाई का ध्यान रखेंगे, हाइजीन का ध्यान रखेंगे, कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी। जी हाँ, नॉनवेज वगैरह बच्चे पूछते हैं, सर नॉनवेज वगैरह भी बनवाइए। देखिए, ऐसा हर जगह नहीं होता और हमेशा नहीं होता। यदि नॉनवेज है, आपसे बोला जाता है कि भाई नॉनवेज बनाना जानते हैं, आप नॉनवेज बना सकते हैं,
बहुत ही अच्छी बात है। यदि आप लोग नॉनवेज बनाना जानते हैं और नॉनवेज बना देते हैं, आपके पास नॉनवेज अवेलेबल है, तो बहुत ही अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। जी हाँ, बहुत ही अच्छा रहेगा। और यदि आप लोग नहीं जानते हैं नॉनवेज बनाना, तो आप लोग उसको मना भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको लेकर के कोई आपके नंबर नहीं काटे जाएंगे, मैं आप लोग को क्लियर कर दूं। तो बस यही है आप लोग का कुक ट्रेड टेस्ट, कुछ भी नहीं है, डेली रूटीन का वर्क जो वर्क है वही है, बिल्कुल खाना बनाना है, रोटी सब्जी चावल दाल वगैरह, और कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। लेकिन आपने कभी कार्य नहीं किया है तो मसालों की जानकारी ले लीजिए, कौन सी मिर्च होती है, कौन से यहाँ पे गरम मसाला क्या होता है, लौंग जीरा हल्दी धनिया, ये सब चीज आप लोग देखना पड़ेगा। आप लोग को रोटी, कम से कम आप लोग को रोटी बनाना तो आना ही चाहिए, और इसके अलावा सब्जी भी बनाना आप लोग जरूर सीख लेंगे यदि आपने कभी कार्य नहीं किया है और ट्रेड टेस्ट आप लोग क्लियर करना चाहते हैं। बस यही है कुक ट्रेड टेस्ट, इसके अलावा और कुछ नहीं। कोई प्रॉब्लम आ रही है आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, या फिर आप लोग टेलीग्राम से जुड़िए। जी हाँ, वहां भी आप लोग को जानकारी मिलेगी। आने वाले समय में जैसे ही आप लोग के ट्रेड टेस्ट मिले स्टार्ट होंगे, ए टू जेड इन्फॉर्मेशन आप लोग को दी जाएगी। तो मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले आप लोगों से एक चैनल पर चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाएं, ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव आप लोग। थैंक यू।